अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हमारे किचन में बन रहा है बहुत ही मज़ेदार चना पुलाव। आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे फीडबैक लाजमी दीजिएगा। लेट्स स्टार्ट द कुकिंग। इंग्रेडिएंट्स नोट डाउन कर लें। एक मीडियम प्याज लिए, एक टमाटर, 3-4 लहसुन के जवे, 4 हरी मिर्चें, 1 कप बॉयल्ड चने, 1 टेबल स्पून साल्ट, 1/4 कप ऑयल और गरम मसाला। गरम मसाले में 2 लौंगे, 6-7 काली मिर्चें, तेज़पत्ता ऐड करना है। ऑयल को पॉट में डाल देंगे और इसे गरम होने देंगे 2-3 मिनट के लिए। अब हम ऑयल में प्याज डाल देंगे। प्याज को हमने फ्राई करने हैं गोल्डन ब्राउन होने तक। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे एहतियात से, साथ ही इसमें नमक ऐड कर देंगे और इसे कवर कर 2 मिनट के लिए कवर कर देंगे। अब हम इसमें टमाटर और लहसुन डाल देंगे। अब हम इसमें हरी मिर्चें डालेंगे। लेट इट कुक फॉर 2 मिनट। अब हम इसमें ये चने डाल देंगे, साथ ही गरम मसाला ऐड कर देंगे क्योंकि भुनाई करेंगे 2 मिनट के लिए। दो मिनट के लिए इसकी भुनाई करनी है। अब हम इसमें पानी डालेंगे। मैंने 2 कप चावल लिए हैं तो मैं 4 कप पानी के डाल 4 कप पानी डालने मैंने। आप लोग जितने चावल लें उसी उससे डबल पानी डालें। चावलों को 2 घंटे पहले भिगो कर रख दें तो पानी यहाँ 1 कप या आधा कप कम कर दें, चावल बहुत अच्छे पकेंगे। अब हम कवर करके रख देंगे जब तक इसमें बॉईल ना आए पानी में। पानी में बॉईल आ गया, अब हम इसमें चावल ऐड करेंगे। चावल हमने इसमें डाल दिए। अब हम इसे 5 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे। अब हम इसको 2 मिनट के लिए और पकाएंगे, फिर हम दम पर रख देंगे। अब हम चावलों को दम पर रख देंगे 5 मिनट के लिए।
तो तैयार है हमारी मज़ेदार गर्मा गर्म चना पुलाव। आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे फीडबैक लाजमी दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।